गांव जग्गाबाड़ा से सरपंच पद के लिए कविता रानी को सर्वसम्मति से ग्रामवासियों ने अपना उम्मीदवार चुन लिया। इसके बाद आज कविता रानी के समर्थन में सैकड़ों महिलाएं व पुरुषों ने गांव में एक झलसा निकाला व डोर टू डोर अभियान के तहत लोगों से वोटों की अपील की। ग्रामवासियों ने कहा कि वो अब की बार कविता रानी को जीताकर अपना सरपंच उम्मीदवार चुनेंगे। उन्होंने कहा कि गांव की काफ़ी सारी समस्या के और ये दानी परिवार के। उन्होंने बताया कि इस परिवार के एक सदस्य ने अपनी ज़मीन स्टेडियम बनाने के लिए भी दान की है, जिस पर बनने के बाद स्टेडियम बना दिया जाएगा। इसलिए आज आप सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुए हैं? सरपंच पद हेतु इकट्ठे हुए हैं। हमारे गांव में कविता सैनी है जो सरपंच पद हेतु पढ़ी लिखी सुचारू रूप से बिल्कुल एकदम गांव का साथ देने वाली समझदार लेडी। बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे गांव में इन पढ़े लिखे सरपंच पद हेतु कविता रानी ही जी। थैंक यू जी। आप सभी को मेरी राम राम जी। मैं हूँ गाँव की सरपंच बनना चाहती हूँ। आप सभी मेरा सहयोग दें। धन्यवाद। जी ये हमारी बहू कविता है, ये सरपंच बनना चाहती है, पढ़ी लिखी योग्यता है, ये हर कार्य पूरा करेगी और पूरा गांव पांचों गांव सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको सरपंच बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन से गांव इसमें है? तो आज सभी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुए गाँव की सभी। राजकुमार जी, आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए सबके सब? ये जी मेरे बुजुर्ग जो मेरी माताएं और बहनें आई हुई हैं गांव में, सारे की सारी स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं और सीवर हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ना तो पानी का निकास है यहाँ और ना पानी की दिक्कत है हमारे। तो हमारे दादाजी मांगेराम सैनी ने जो एक किला दान में दिया है, पंचायत के नाम किया है और उसका सुधार करने के लिए स्टेडियम बनवाने के लिए मैं अपनी उसको स्टेडियम बनवाने में पूरी मदद करूंगा। तो बनते हैं तो किस तरह की समस्याओं से गांव को निजात मिलेगी? यदि आपकी पत्नी सरपंच बनती है तो आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किस तरह की समस्याओं का समाधान यहाँ करेंगे? समाधान सीवर, नाली पक्की करवाना और हर घर में शौचालय बनवाना। तो क्या मान के चल रहे हैं आज इतने लोग आपके समर्थन में उतरे हैं, तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी, बहुत अच्छा। काफी अच्छा लग रहा है, काफी लोग अच्छा लग रहा है जी। जो मेरे बुजुर्गों ने मेरे को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं उनको सम्मानित करता हूँ। श्री राजू सैनी, इनकी धर्मपत्नी सरपंच पद की उम्मीदवार है, जिसके लिए हमारा पूरा समाज और गांव की 36 बिरादरी यहाँ एकत्रित हुई है इनके सहयोग के लिए, इन्हें विजय बनाने के लिए, एक शक्ति दिखाने के लिए। ये दरवाज़ा हमारे दादा परदादा श्री ईश्वर सिंह सैनी की देन है, श्री मांगेराम सैनी उनकी पहचान है ये, और आज उनका पड़पोता पोता यहाँ पे सरपंच पद के लिए उतारा गया है और इसको हम विजय दिलाएंगे। हमारी प्राथमिक उपलब्धि ये होगी, कोशिश ये होगी कि हमारे गांव में निकासी का प्रबंध नहीं है, वो निकासी का प्रबंध करेंगे हम। और मेरे श्री दादा मांगेराम सैनी ने एक किला जमीन का दान दिया है, उसको सर्वप्रथम स्टेडियम का रूप देने का प्रयास करेंगे और हमारी गलियां, शौचालय, खेतों की गलियां, नालियां सारी पक्की कराएंगे और किसी भी विषय पे सारी जनसभाएं आयोजित करके उनकी जो मूल समस्याएं हैं हर तबके की, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। राजा
इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए आप लोग? हम अपने शक्ति दिखाने के लिए और राजो बाबू को जिताने के लिए और कंधे से कंधा मिलाने के लिए और गांव का विकास करने के लिए और जो वादे करेंगे पूरे करने के लिए, इसलिए इकट्ठे हुए। कहां से कहां जी आज आपका ये काफिला काफिला जाएगा? सारे ग्राम पंचायत में डोर टू डोर, गली टू गली, और बाधा और समस्याओं को देखने के लिए और उनका निवारण करने के लिए और वोट मांगने के लिए अपील और प्रार्थना हमारी, इसलिए राजू भाई के साथ हम हैं। तो किस तरह से कविता सैनी के उसमें आप अपील करना चाहेंगे? कविता सैनी के बारे में अपील क्या करने चाहेंगे? बहुत खूबी है उनके अंदर, शिक्षित है, योग्य है, कर्मठ है, लोकप्रिय है, लोक प्रसन्न है, लौकिक तर है और शिक्षित है और बुजुर्गों का कहना मानने योग्य है, इसलिए हम उसको शक्ति और वोट का दान देंगे। थैंक यू सर। खेद के साथ में एक बात कहना चाहूँगा, मेरे दादाजी श्री एम सरपंच जी जो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, उनका नाम मैं मिस कर गया था, उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद के बिना हमारी जो शाखा है ये पीपल है ये पूर्ण नहीं होगा जी। ठीक है, ये तीन धड़े हैं जी हमारे, ये इनको संपूर्ण विकास का एक प्रतिनिधित्व है आज की तारीख में ये, और हम मैं यही अब सबसे निवेदन करता हूँ कि इनका आशीर्वाद हमारे पास सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। आ जाओ सर।